हेलो दोस्तों, मेरा नाम निशांत है और आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि पिक्सल क्या कहलाता है। तो आपको मैं ये समझाने के लिए कि पिक्सल क्या कहलाता है एक फाइल बनाता हूँ। न्यू फाइल खोलता हूँ जिसकी चौड़ाई एक, लंबाई एक और जिसका रेजोल्यूशन एक होगा। मैं क्रिएट करता हूँ इस फाइल को। अब जो आप ये डॉट देख रहे हैं ये मेरी स्क्रीन का जो पिक्सल रेशो है उसका एक पार्ट है। समझ लीजिए अलग अलग स्क्वायर से मिलके रेजोल्यूशन बनता है उसका एक पार्ट है। अब मैं इसको जूम कर लेता हूँ और इसमें मैं एक कलर डालता हूँ। देखिए है ना, कलर डालता हूँ, फिल कर लेता हूँ। तो समझ लीजिए ये एक सिंगल पिक्सल है। अब आपको मैं रेजोल्यूशन समझाने के लिए मैं फिर से एक फाइल बनाता हूँ कि रेजोल्यूशन में पिक्सल हमारे क्या हेल्प करते हैं या किस तरह काम करते हैं या इमेज में क्या इफेक्ट डालते हैं, वो समझाने के लिए मैं आपको एक फाइल और बना रहा हूँ जिसकी चौड़ाई एक, हाइट एक और मैं यहाँ रेजोल्यूशन कर दे रहा हूँ 5 कर दे रहा हूँ और मैं इसको क्रिएट करता हूँ। इसको जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद मैं आपको समझाने के लिए इसमें एक ग्रेडियंट फिल कर रहा हूँ, ठीक है, इस कोने से लेके इस कोने तक। तो अब देखिए अभी क्या हुआ, इसकी लंबाई चौड़ाई 1/1 ही है पर हमने क्या किया वहाँ से रेजोल्यूशन बढ़ा दिया। रेजोल्यूशन बढ़ा दिया मतलब 1/1 इमेज में हमने 5 पिक्सल डाल दिए, ठीक है। तो ये 5 पिक्सल आप ये देखिए चौड़ाई में ही 5, लंबाई में ही 5 है। अब इसको मैं और अच्छे समझाने के लिए कि पिक्सल्स हमारे रेजोल्यूशन में क्या काम करते हैं मैं फिर से एक इमेज बनाता हूँ। इस बार भी इमेज जो होगी 1/1 की होगी और मैं इस बार रेजोल्यूशन जो कर देता हूँ 300 कर देता हूँ। क्रिएट कर दिया मैंने, ये देखिए ये क्रिएट हो गई और इसमें मैं ग्रेडियंट भरता हूँ इस कोने से लेके उस कोने तक। देखिए ये ग्रेडियंट मैंने भरा। अब आप देखिए फर्क देखिए इन दोनों इमेजों में, इसका भी ये भी 1/1 की है और ये भी 1/1 की है पर आप देखिए दोनों में कितना फर्क है। तो इसके अंदर क्या हुआ है, इस इमेज में 300 हमने पिक्सल डाल दिए हैं। एक बार एक स्क्वायर 1/1 की फाइल के अंदर हमने क्या किया है 300 पिक्सल डाले हुए हैं। अब उसको समझने के लिए मैं इसको देखिए जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये डेंस जितने दिख रहे हैं ना ये सारे पिक्सल हैं। दोस्तों शायद आपको समझ आ गया हो कि पिक्सल क्या कहलाता है। तो आगे की वीडियो के लिए मैं आपसे ये बोलूँगा कि आप कमेंट डाल के मुझे ये बताइए कि आप मुझसे और क्या सीखना चाहते हैं फोटोशॉप में। थैंक यू वेरी मच।